कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तरण बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है बिल्ली चली दिल्ली। दिल्ली कहाँ जा रही है? दिल्ली। तो चलिए पढ़ते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्रों में क्या समानता है, क्या आप ये बात बता सकते हैं? अगर नहीं तो इसके बारे में अपने शिक्षक या माता पिता से जानो और निम्नलिखित तालिका को पूरा करो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं जो किसके हैं? जानवरों के। आपको क्या करना है? जंतुओं के नाम लिखने हैं जिनके चित्र हैं, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। आपको उनका पसंदीदा खाना लिखना है, रहने का स्थान लिखना है जहाँ पर ये रहते हैं, और आपको यह लिखना है कि आपके यहाँ कौन सा जंतु है। कविता प्रवेश। प्रस्तुत कविता में दो बिल्लियों के बारे में बताया गया है कि वे कहाँ घूमने गई हैं और उन्होंने वहाँ क्या क्या लूट मचाई। तो इस कविता में दो बिल्ली हैं जो कहाँ जा रही हैं? घूमने जा रही हैं। और जहाँ पर वो घूमने गई हैं वहाँ पर उन्होंने क्या करा? खूब लूट मचाई। तो चलिए पढ़ते हैं। एक भूरी एक काली बिल्ली चल पड़ी वे दोनों दिल्ली। एक भूरी और एक काली बिल्ली कहाँ जा रही हैं? दिल्ली। चौराहे पर रास्ते चार जहाँ पहुँची वे बड़े बाजार। चौराहा है जिसके क्या है? चार रास्ते। और वो कहाँ पहुँची? बड़े बाजार। बड़े बाजार में था हलवाई, सजी हुई थी बहुत मिठाई। और बड़े बाजार में क्या था? हलवाई था। और हलवाई की दुकान पर क्या थी? बहुत सारी मिठाई थी। बिल्लियों ने जो लूट मचाई, जा उठा सोया हलवाई। बिल्लियों ने दुकान पर जाकर क्या करी? खूब लूट मचाई। उससे क्या हुआ? जो हलवाई सो रहा था वो उठ गया। हलवाई ने डंडा मारा, काली बिल्ली को लंगड़ा कर डाला। और हलवाई ने डंडा मारा किसे? काली बिल्ली को। और वो क्या हो गई? लंगड़ी हो गई, उसकी पैर पर लग गई। देख कर रोई भूरी बिल्ली, कभी ना आऊंगी अब दिल्ली। और यह देखकर भूरी बिल्ली रोने लगी और क्या कहने लगी? अब कभी नहीं आऊंगी कहाँ? दिल्ली। अब हम अध्ययन करेंगे शब्दार्थ का। चौराहा। चौराहा क्या होता है? सड़क का वह स्थान जहाँ पर चार सड़क एक साथ जुड़ती हैं। लूट। लूट का मतलब है छीनना या झपटना। हलवाई। हलवाई कौन होता है? मिठाई बनाने वाला। चलिए अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न एक, बताओ क्या पढ़ा? चौराहे पर कितने रास्ते थे? चौराहे पर चार रास्ते थे। बिल्लियाँ चौराहे से जाकर कहाँ पहुँच गई? बड़े बाजार पहुँच गई। बाजार में कौन था? बाजार में हलवाई की दुकान थी। प्रश्न दो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। बिल्लियाँ कहाँ चल पड़ी? तो बिल्लियाँ कहाँ जा रही थी? आगरा, भोपाल, दिल्ली या कानपुर? तो बिल्लियाँ जा रही थी दिल्ली। कितने रंगों की बिल्लियाँ थी? कितने रंगों की बिल्लियाँ थी? एक, दो, तीन या चार? तो कविता में दो रंग की बिल्लियाँ थी, काली और भूरी। काली को डैश कर डाला, क्या कर डाला था? बहरा, लंगड़ा, अंधा या गूंगा? तो काली बिल्ली को लंगड़ा कर डाला था किसने? हलवाई ने। प्रश्न तीन, कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा करो। जा डैश वे पड़े जा, तो कहाँ पहुँची थी बिल्लियाँ?
जा पहुंची वे बड़े बाजार चौराहे से। कहाँ पहुंच गई थी? बड़े बाजार। बड़े डैश में था, डैश बड़े बाजार। बड़े बाजार में कौन था? हलवाई। सजी डैश बहुत डैश। सजी क्या थी? सजी सजी पड़ी बहुत मिठाई। कि कहाँ पर? हलवाई की दुकान पर। डैश ने जो लूट मचाई, किसने लूट मचाई? बिल्लियों ने। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिल्लियों। जाग उठा डैश। कौन जाग उठा था? जाग उठा सोता हलवाई। जो हलवाई सो रहा था वो क्या हो गया? जाग उठा। कब? जब बिल्लियों ने लूट मचाई। प्रश्न चार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप अपनी कविता का अभ्यास करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आभार।